यहाँ का क्लॉक टावर, तो ये वेदर के साथ इसकी सो या हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अमेज अडिक। मेरा नाम है आर्जव। सो आज हम आए हैं एक नए ब्लॉग के साथ जो कि है सिटी टूर ऑफ फाजिल्का इन रेनी सीजन। तो आज मैं हूँ मेरे फ्रेंड सक्षम के साथ। सो सक्षम और मैं आज करेंगे सिटी टूर फाजिल्का में। बहुत ही बढ़िया वेदर हो रखा है इस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी देर बाद ही यहाँ पे रेन हुई है कह सकते हैं। हम बहुत वेट करते थे रेनी सीजन में रेन आएगी, पर नहीं आई। पर आज बहुत ही बढ़िया वेदर आप देख सकते हैं। अब लग रहा है गर्मी से आराम आ जाए। हाँ सही बात है भाई, इतनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है। आपको दिखाते हैं आज सारी चीज़ें। तो आप देखते हैं सारी रोड पे पानी भरा हुआ है, और ये है हमारा मेन शास्त्री चौक फाजिल्का का। तो यहाँ से हम आपको पूरी इसकी जो मेन रोड है गौशाला रोड, वो आपको दिखाएंगे आज, और साथ में दिखाएंगे क्लॉक टावर। तो स्टे ट्यून्ड, आपको दिखाते हैं साथ साथ। तो ये है हमारा साइकिल मार्केट कम्प्लीटली। यहाँ पे पूरी साइकिल्स की शॉप है और साथ में स्टेशनरी शॉप है। या तो अब हम इधर से राइट लेंगे क्लॉक टावर की तरफ, और आपको क्लॉक टावर दिखाएंगे फाजिल्का का जो मेन क्लॉक टावर है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सड़कों पे पानी भर ही चुका है। और ये सामने है हमारा क्लॉक टावर फाजिल्का का। और बारिश की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया वेदर हो चुका है इस टाइम पे। हेलो अंकल। तो ये देखिए यहाँ का क्लॉक टावर। तो ये वेदर के साथ इसकी और ज़्यादा ब्यूटी है जो निखर के बाहर आ रही है। तो चलिए अब हमको यहाँ की कुछ मेन शॉप वगैरह दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट शॉप है पास पटनिया, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और साथ में काफ़ी अच्छी हमारी मेन खुशी राम अंकल की शॉप। तो और यहाँ से आगे चलेंगे तो ये है हमारी पास पटनिया की शॉप, पास पटनिया भी हट्टी, जहाँ पे मिलते हैं फेमस तोशा। और देख सकते हैं पानी तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। कैसा लग रहा है भाई चला के बारिश में? मज़ा आ रहा है। हाँ काफ़ी देर बाद ही हुआ है यहाँ पे, मौसम अच्छा, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं अभी। अब हम चलते हैं सीधा गौशाला रोड पे सामने, फाजिल्का की पूरी गौशाला रोड, और दिखाएंगे यहाँ का वेदर और रेन। तो ये है हमारी मेन गौशाला रोड, यहाँ पे काफ़ी शॉप्स वगैरह हैं। तो फाजिल्का की बात करें तो एक बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया के साथ ही सिटी है। तो पाकिस्तान यहाँ से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर भी है। तो मैंने बॉर्डर की भी वीडियो शूट की हुई है, जिन्होंने नहीं देखी वो पुराने ब्लॉग्स में जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और देख सकते हैं ये है यहाँ का हमारा इजी डे। बहुत ही छोटी सी सिटी है, कुछ ज़्यादा सिटी नहीं है बड़ी। पानी देखो, पानी नहीं बना पड़ा भाई, पर काफ़ी देर बाद जो बारिश हुई है ना उसने राहत दे दी है। बहुत ही गर्मी हो रखी थी पहले तो। क्या बात है, क्या बात है, ये आज नहीं रुकेगी लगता है। हमारी है एनी हट, काफ़ी अच्छी बेकरी कम कह सकते हैं स्नैक पॉइंट है। गाड़ी भी लेके आ सकते थे, पर एक्टिवा में आने का आज एक अलग ही मज़ा है ना। सही बात है, अलग ही मज़ा। इतने गाड़ी में क्या मज़ा आएगा? सही बात है, सही बात, गाड़ी पर घूमते रहते हैं। सही बात है भाई।
तो ये हमारा है यहाँ का मेन सिंह सभा गुरुद्वारा। तो ये है हमारा मेन चौक। तो यहाँ पे हम रहेंगे राइट साइड और जाएंगे बॉर्डर रोड पे। तो गाइस ये है एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैनमेड स्ट्रक्चर जो कि यहाँ फाजिल्का में ही है और ये फाजिल्का को अट्रैक्टिव अट्रैक्शन पॉइंट बना देता है, तो काफ़ी अच्छी एक ये चीज़ है। तो यहाँ से अब हम राइट लेंगे जो कि रोड जाएगी सीधा बॉर्डर की तरफ, ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर टू पाकिस्तान। तो वहाँ तक तो नहीं जाएंगे खैर, आपको सिर्फ एक मैं बोर्ड ज़रूर दिखाऊँगा पाकिस्तान का, फिर हम अगेन सिटी की तरफ चलेंगे आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये रोड जा रही है सीधा बॉर्डर की तरफ और हम यहाँ पे सीधा चलते हैं। वेदर तो आज एकदम ही बढ़िया हो रखा है यार। और भाई कुछ बताओ, ये है बॉर्डर रोड और काफी साफ सुथरा है यहाँ पे और मौसम बहुत ही बढ़िया है, बारिश हो रही है और हम फुल इंजॉय कर रहे हैं। ये शायद किसी की गाड़ी खराब हो रखी है या बस ही खड़े और नहीं। ये हमारा यहाँ का अंबर कॉलेज आ रहा है, ये अंबर कॉलेज का गेट अंदर चलते हैं। चलो अंदर चलते हैं भाई, आपको यहाँ का स्टेडियम दिखाते हैं। बहुत ही बढ़िया स्टेडियम बना हुआ है और दिखाते हैं आपको अंदर जाके। अच्छा भाई, तो ये है हमारा यहाँ का स्टेडियम। काफी ही बढ़िया बना हुआ है। पच्चन जी आ रहे हैं पूरे स्टेशन में, क्या हो गया। चलो यहाँ से अब चलते हैं। हाँ, इम्प्रूवमेंट तो बहुत ही बढ़िया बना रखा है भाई। तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में रनिंग करने, काफ़ी ही बढ़िया बना हुआ है। अभी तो खैर जिला है इसलिए नहीं कर सकते और यहाँ पे कोई है नहीं, तो कभी नेक्स्ट टाइम हम सुबह के टाइम पर भी यहाँ पे बनाएंगे वीडियो और आपको दिखाएंगे कितना यहाँ पे रश होता है और लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए हैं बॉर्डर रोड पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है पाकिस्तान 12.5 किलोमीटर सुलेमान की बॉर्डर। तो अभी हम आगे तो नहीं जाएंगे और अगर किसी का दिल हो देखने का तो जरूर व्लॉग देखें जाके। अभी हम वापस यहाँ से जाते हैं और आपको दिखाते हैं सिटी ही और वहाँ सिटी में इंजॉय करते हैं। हमारे सभी सोल्जर्स को जो वहाँ पे बॉर्डर में हैं और उनकी वजह से ही हम सभी यहाँ पे आराम से रह पा रहे हैं। सल्यूट टू ऑल द सोल्जर्स। आप देख सकते हैं काफ़ी ही पानी है यहाँ पे।
और जो लोग बारिश को एंजॉय नहीं कर पा रहे वो हमारे ब्लॉग से एंजॉय कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये है हमारा ओल्ड स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पादरी का वीडियो। लोग पूछ रहे हैं भाई ये कैमरे को देखते ही क्या हो रहा है, हमने बताया ये होती है तो वो एंजॉय कर रहे हैं। तो बढ़िया भाई सही है, सभी इंजॉय कर रहे हैं बारिश को, ठीक है करनी भी चाहिए, काफ़ी देर बाद जो हुई है। बादल भी गहरे गहरे चढ़े हैं अभी तो, हमें भी लग रहा और बारिश होगी, इतने से नहीं मानेंगे पापा जी है ना। बढ़िया जो है आज पूरा जब मौसम था तब तो हुई नहीं मिलती थी भाई, मौसम खत्म हो गया और जी नाम से ठीक है भाई, इंजॉय करो यार कर दे रहे हैं भाई गंदा ये तो पक्के को हिम्मत है कि इतनी बारिश में चला रहा है हमारा एक स्पॉट पादरी का कस्टम लेके जाएगा। सिटी टूर देख सकते, सिटी टूर देख कस्टम कभी भी कर सकते हैं आप, देख सकते हैं काफी चला रहे भैया भाई बोल रहा है बच्चों वापस गौशाला रोड पे, और अब तो यहाँ पे पानी और ज़्यादा हो रखा है। ओहो सही है भाई, पैर नीचे नहीं लगा के पानी भर जाएगा। और यहाँ से अंकल को जाने दो पहले, अंकल का बाइक रुक चुका है अभी। सही बात है, कोई पता नहीं लगता कभी भी रुक सकती है। पानी हो गई और पानी हो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ ना। ये क्या हो गया भाई, इतना ट्रैफिक जाम क्यों है? इधर से इधर रेलवे जिधर भी ये होता है वाला कुछ टेंशन ही निकाल बहुत ही बढ़िया है टी शॉप, जब भी अगर कोई पागल का आए यहाँ से सोचा जरूर खाए और कुछ खाओ ना खाओ। सुशिंद्रा वॉच हाउस बहुत ही फेमस, तो पूरा का पूरा सीन कर रहे हैं हम पूरे रेनी सीजन में, क्योंकि रेनी सीजन में एंजॉय बहुत अलग हो जाता है। पास की तरफ वो हमें पता है कि ऑलरेडी वो फुल होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ही पानी भर जाता है बारिश के टाइम पे, तो ओहो बहुत ही ज़्यादा पानी भर चुका है भाई साहब। वो देखिए काफ़ी ही ज़्यादा पानी है आगे, पर हम जाएंगे क्योंकि यहीं से वापस ही ले लो भाई, बहुत ही ज़्यादा पानी है। तो अब हम चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन तो नहीं है यहाँ का, पर ठीक है अच्छा बना हुआ है। जंक्शन है भाई, जंक्शन है फॉगल का जंक्शन, लास्ट सिटी है ये तरफ से, उसके बाद फॉगल है अंदर के लिए, बात आप देख सकते हैं।
फाजिलका जंक्शन और पानी यहाँ पे भी बहुत है। प्रताप बाग बहुत ही फेमस, बहुत ही बढ़िया अंदर से बना हुआ है, झूले वगैरह लगे हुए हैं, तो बच्चे आए तो यहाँ आराम से खेल सकते हैं, बड़ों के लिए, लेडीज़ के लिए, सब यहाँ पे आके अपना एंजॉय कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया पार्क है। ये गर्ल्स स्कूल है यहाँ का, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे ड्राइंग बनी हुई है स्कूल के बाद। तो पानी पड़ा था, पानी 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 हर जगह में पानी पानी हो रहा है, तो ये बारिश तो आज नहीं रुकेगी लगता है, चलती जाएगी। तो इस लोग को हम यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर हम बाहर घूमेंगे तो हमारी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो एंजॉय किया, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।